भारत की सोनम मलिक ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुल्गारिया की सोफिया में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सोनम का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड कैडेट में इतिहास रचते हुए सोनम अब पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। जब सोनम मलिक गांव में पहुंची तो गांव वालों की भीड़ सोनम के स्वागत के लिए उमड़ गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सोनम मलिक का जोरदार स्वागत किया। वहीं गोल्ड विजेता सोनम ने कहा कि उसने फाइनल में चीन की बिन बिन जियांग को 7-1 से पराजित कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही सोनम मलिक ने कहा कि इस मेडल के साथ उसका सिलेक्शन नेशनल वर्ल्ड कप के लिए था, लेकिन उम्र कम होने से ट्रायल नहीं हुई। अब 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप पर सोनम की नजर है और वो पहलवान सुशील कुमार को अपना आइडियल मानती हैं। अच्छा लग रहा है, जो गोल्ड आया और हमारा स्वागत हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हमारा अब जूनियर एशिया वर्ल्ड होगा उसकी तैयारी है और हमारा आइडल सुशील कुमार। किसको मानते हैं अपना? सुशील कुमार की तरह। अच्छा, आप कितने मेडल लेके आए हो अब तक? हमारे 7 मेडल हो चुके हैं जिसमें 4 गोल्ड हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। किसको आया था वहाँ, कितने देश पहुँचे थे वहाँ पे? वर्ल्ड में तो वर्ल्ड के पूरे ही देश आते हैं। हमारी 4 कुश्ती हुई थी, जो सेमीफाइनल तो रशिया के साथ हुई थी और फाइनल चाइना के साथ हुई थी। चाइना को रहा? हाँ, फाइनल में चाइना को रहा। कितने पॉइंटों से? 7-1 का स्कोर। 7-1 का स्कोर। इससे पहले भी 5-4 बार जीत चुके हो आप, तो कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या करने का इरादा है? अब की बार हमारा सीनियर में नाम डाल दिया था, फिर ट्रायल नहीं हो पाया कि 2024 के ओलंपिक की तैयारी। वहीं कोच अजमेर मलिक ने बताया कि सोनम मलिक की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। वो रोजाना उनके पास अखाड़े में सुबह शाम 4 घंटे कड़ी मेहनत करती हैं। सोनम ने पिछले साल भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। सोनम इससे पहले भी कई मेडल हासिल कर चुकी हैं। ये जी गुड़िया का कैडेट वर्ल्ड हुआ था यहाँ पर बुल्गारिया के अंदर, और ये 29 से लेकर 4 के बीच हुआ था, और इस गुड़िया ने अपने वहाँ गोल्ड लिया है। और इसने 4 वर्ल्ड खेले हैं कैडेट वर्ल्ड, एक स्कूली वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया, और एक 17 में है जो उसमें मतलब गोल्ड लिया इसने, और उसमें 57 किलो में। फिर उसके बाद में ये खेली 65 में, उसमें 3rd आया। ये भी इसके अंदर फिर ये भी 65 में फिर खेली है, ये भी इसके अंदर इसने गोल्ड लिया जी। तो कितने मेडल जीते हो? अब टोटली तो जी इसने 3 तो इसके एशिया चैंपियनशिप के हुए, उनमें 3ों में इसके मेडल हैं, और 4 इसके वर्ल्ड के हुए हैं, उसके अंदर भी इसका मतलब 3 गोल्ड है और एक 3rd मेडल है। कब से प्रैक्टिस कर रही है ये जी? 2012 में हमारे पास आई थी जी, और 17 हो गए जी, 5 साल हो गए इसने करते हुए। और लगभग ये कैडेट की मतलब है, इसने लड़की ने अपना एक इंडिया में एक इतिहास बना दिया कि भाई इस उम्र की लड़की ने इतने मतलब वो करके मतलब वर्ल्ड में मेडल लेके आना, मतलब इस गुड़िया का अपना एक इतिहास बना दिया जी इसने। तो आज स्वागत कर रहे हो? हाँ जी, आज इसने ग्रामीण का जो आसपास के गाँव में पूरा हर संस्था के अंदर पूरा माहौल है जी खुशी का, फिर इन्होंने जी सबने मिलकर आज इसका गुड़िया का स्वागत किया। वहीं सोनम की इस उपलब्धि से सोनम के माता पिता के साथ साथ पूरे गांव में खुशी है। इस दौरान सोनम के पिता ने कहा कि सोनम के मेडल लेकर गांव पहुंचने पर सोनम का नोटों और फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया और पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटी गयी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह खेलते हुए अपने गाँव के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। इसकी बचपन से इच्छा थी, यहाँ अजमेर में पहलवानी अकेडमी में आगे सूबेदार से रिटायरमेंट चला ली, यहाँ आते शाम सुबह आते थे, इसकी रुचि होगी जो गेम में लगा दी। आज ये रिजल्ट आ रहे हैं, जो कुछ ये अजमेर की देन है, इसने अजमेर में जो आगे मेहनत करी है उससे इसका ही फल मिल रहा है। कितने साल से प्रैक्टिस कर रही है ये? 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं। 12 में आगे थी। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? शाम सवेरे 2.5-3 घंटे, 2-2.5 घंटे शाम को, 2-2.5 घंटे सवेरे, ये जो क्लास में प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस करते हैं। आपका बेटा भी इस? हाँ, कुछ वो भी गेम ही करता है। आप भी रहे हो? हमने भी गेम किया था, हम तो इतने स्तर पर नहीं पहुंच पाए, दो गया वो मास्टर चंद गया अखाड़े में रही। तो आज स्वागत कर रहे हो? हाँ, यहाँ अकेडमी में पहुँचने में सारे गाँव वाले उनका स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगे। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सोनम मलिक की मेहनत से उसके सपने सच हो रहे हैं। अब सोनम मलिक का सपना है कि वो अपने देश के लिए खेले और अपने देश का तिरंगा विश्व में फहराए। गोहना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।